हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू टुडे आई एम योर मैथ्स टीचर नूपुर कुलहरी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 ऑफ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज इन वॉल्यूम क्लास टेंथ कंप्लीट कर ली थी इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 13.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे उससे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मीन्स अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम कम्बाइन करेंगे तो हमें जो रिजल्टिंग वॉल्यूम होगा वो कितना होगा जैसे कि हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर है पेंसिल तो पेंसिल का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी पेंसिल है वो थ्री सॉलिड ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है जो इसका यहाँ तक का पोर्शन है वो तो है हमारे पास कौन देखिए ये कौन के शेप का है ठीक है यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है हमारे पास सिलेंड्रिकल ठीक है दिस पोर्शन इज सिलेंड्रिकल और उसके एंड में हमारे पास जो पोर्शन आ रहा है दैट इज ऑफ हेमस्पियर तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमस्पियर ठीक है तो एग्जाम्पल पे चलते हैं अपन एग्जाम्पल से हमें ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी एग्जाम्पल फाइव क्या कह रहा है संता रन एन इंडस्ट्री इनर शेड विच इज़ इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइट सर माउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर देखिए हमारे पास एक इंडस्ट्री तो 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 है जो कि किस शेप की है नीचे तो बेस में उसके पास क्यूबोर्ड है और उसके ऊपर हाफ सिलेंडर है ठीक है आगे क्या कह रहा है इफ़ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन सेवन मीटर इंटू फिफ्टीन मीटर अब ये जो बेस है उसका जो डायमेंशन है वो किस तरह से सेवन मीटर इंटू फिफ्टीन मीटर सेवन बाय फिफ्टीन एंड द हाइट ऑफ़ द क्यूबिडल पोर्शन इज एट मीटर ये जो क्यूबॉयड है ना इसका हाइट कितना गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक एट मीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर डैट शेड कैन होल्ड ये शेड कितनी वॉल्यूम होल्ड कर सकता है किसकी एयर की वो हमें फाइंड आउट करनी है मतलब इस शेड के अंदर कितना एयर है वो हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करना है तो देखिए ये जो हमारा शेड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है एक तो क्यूबॉइड और क्यूबॉइड के ऊपर क्या है हाफ सिलेंडर तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ठीक है तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड विल बी वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड बी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेथ इंटू ब्रेथ इन टू हाइट ठीक है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाईआर स्क्वायर एच तो हम पहले लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच फाइंड आउट कर लेते हैं हमारे क्यूबॉइड की ठीक है क्यूबॉइड का लेंथ कितना गीवन है एल पिक्चर में हम क्या देखते हैं जो हमारा क्यूबॉयड है उसका जो बेस डायमेंशन है डेट इज सेवन एम इंटू फिफ्टीन एम दिया हुआ है मतलब जो लेंथ है वो तो हमारी फिफ्टीन हो गई ब्रैथ कितनी होगी सेवन मीटर और हाइट इसकी होगी एट मीटर ठीक है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा अभी बताया लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट डेट विल बी फिफ्टीन इंटू सेवन इंटू एट ठीक है सेवन फाइव से थर्टी फाइव कैरी थ्री सेवन मंजा सेवेन एट नाइन टेन ठीक है इंटू एट ठीक है एट फाइव जा फोर्टी कैरी फोर एट वन जा एट एट हंड्रेड फोर्टी मीटर क्यूब ये क्या है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब ठीक है अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो सिलेंडर का भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाए आर स्क्वायर एच ठीक है अब देखिए सिलेंडर की रेडियस कितनी होएगी और हाइट कितनी होगी हम इस फिगर में देखते हैं कि ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है वो हमारे पास है सिलेंडर ठीक है यहां से लेके यहां तक हमें सेवन मीटर गिवन है ठीक है तो इसका रेडियस कितना हो गया सेवन अपॉइंट टू मीटर ठीक है ये हो जाएगी हमारे पास सिलेंडर की हाइट तो हाइट एच विल बी फिफ्टीन मीटर रख देते हैं ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन ठीक है इंटू आर इज सेवन अपॉइंट टू स्क्वायर है तो सेवन अपॉइंट टू इंटू सेवन अपॉइंट टू इंटू हाइट कितनी है फिफ्टीन मीटर ठीक है देखिए सेवन से सेवन कैंसिल हो गया टू वन जो टू ये टू वन जो टू टू वनजा टू ठीक है इलेवन इंटू सेवन इंटू फिफ्टीन अपॉन टू तो देखिए इलेवन इंटू सेवन फाइव जो थर्टी फाइव कैरी थ्री सेवन वन सेवन और प्लस थ्री करें टेन अपॉन टू इलेवन फाइव जो फिफ्टी फाइव कैरी में फाइव और ये इलेवन वनजा इलेवन अपॉन टू ये क्या आ गया मीटर क्यूब ठीक है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें देखिए क्या चाहिए हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना तो हम क्या करेंगे इधर लिखेंगे हाफ पाए आर स्क्वायर एच ठीक है ये एच यहाँ पे कैपिटल लेते हैं अपन क्योंकि हाइट ऑफ क्या है ये सिलेंडर ठीक है चलिए दोनों ही फाइंड आउट कर लिए अपन ने रख देते हैं एल b टू बी इंटू एच 840, 840 प्लस पाई आर स्क्वायर एच कितना फाइंड आउट किया अपन ने वन वन फाइव फाइव अपॉन टू और हाफ भी है इसके अंदर तो हाफ इन टू वन वन फाइव फाइव अपॉन टू ठीक है ऐड कर दो दोनों को सॉल्व करके 840 प्लस ठीक है इसका अपन टू से डिवाइड करें तो ये कितना हो गया टू फाइव ज टेन ठीक है कैरी वन टू सेवन ज फोटीन कैरी वन टू सेवन जा फोर्टीन पॉइंट फाइव फाइव सेवन सेवन पॉइंट फाइव अपॉन टू ठीक है तो एट फोर्टी प्लस अगेन टू से डिवाइड कर देते हैं अपन टू टू जा फोर कैरी वन सेवनटीन तो आता नहीं एट जा सिक्सटीन होता है तो एट जा सिक्सटीन अगेन कैरी वन एट जा सिक्सटीन पॉइंट यहाँ पे देखिए फिफ्टीन हो गया सेवन ज़ा फोर्टीन और वन बचे तो वन जीरो ये हो गया फाइव ऐड करते हैं हम दोनों को देखिए पॉइंट सेवन फाइव ठीक है डेसिमल के बाद है पॉइंट सेवन फाइव एट प्लस जीरो एट एट प्लस फोर ट्वेल्व कैरी वन एट नाइन टेन इलेवन वन वन टू एट पॉइंट सेवन फाइव मीटर क्यूब इतनी एयर हमारे शेड में आ सकती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर आगे चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्युपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ थ्री हंड्रेड मीटर क्यूब अब देखिए हमारी फैक्ट्री के अंदर मशीन्स भी है जो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है थ्री हंड्रेड मीटर क्यूब एंड देयर आर ट्वेंटी वर्कर्स ईच ऑफ होम ऑक्यूपाई अबाउट ज़ीरो पॉइंट जीरो ऐट मीटर क्यूब अब फैक्ट्री के अंदर कितने वर्कर्स हैं ट्वेंटी वर्कर्स हैं और हर एक वर्कर जीरो पॉइंट जीरो ऐट मीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाई करता है ठीक है एज एन एवरेज देन हाउ मच एयर इज इन द शेड अब शेड के अंदर कितनी एयर है पहले जो हमने फाइंड आउट किया था तब तो हमने टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करा था जब कोई मशीनरी और वर्कर्स उसके अंदर नहीं थे अब इसके अंदर हमें वर्कर्स और मशीनरी भी दे दिए हैं तब एयर का वॉल्यूम कितना होगा वही फाइंड आउट कर लेते हैं एयर इन द शेड विल बी एयर वॉल्यूम ऑफ ऑफ एयर इन द शेड विल बी देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ एयर विदाउट मशीनरी एंड वर्कर्स ठीक है उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा अपने को ये वॉल्यूम ऑफ मशीन वॉल्यूम ऑफ मशीनरी प्लस वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स ठीक है अब देखिए फर्स्ट वाले केस में हमने जो एयर का वॉल्यूम निकाला तो तो था वो था विदाउट मशीनरी एंड वर्कर्स वन वन टू एट पॉइंट सेवन फाइव मीटर क्यूब में माइनस देखिए वॉल्यूम ऑफ मशीनरी कितना है हमारे पास कितना वॉल्यूम गिवन है थ्री हंड्रेड मीटर क्यूब तो रख दीजिए थ्री हंड्रेड अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स एक वर्कर 0.08 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है हमारे पास 20 वर्कर्स हैं तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1128.75 -300, तो 1128 300 प्लस ये हो जाएगा 1.6 चलिए सॉल्व कर लेते हैं आगे अभी अपन तो 1128. सेवन फाइव माइनस ये कितना हो गया थ्री हंड्रेड वन पॉइंट सिक्स वन वन टू एट पॉइंट सेवन फाइव में से अपने को क्या माइनस करना है थ्री हंड्रेड वन पॉइंट सिक्स तो हमें कितना मिलेगा एट टू सेवन पॉइंट वन फाइव और मीटर में है तो मीटर क्यूब ये क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ एयर विथ मशीनरी एंड वर्कर्स ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं अपन एग्जाम्पल सिक्स अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेज एज शोन इन द फिगर देखिए एक जूस सेलर है जो कि अपने कस्टमर को जूस सेल कर रहा है यूजिंग द ग्लास एज शोन इन द फिगर फिगर में हमें एक ग्लास शोन है फिर क्या कह रहा है द इनर डाया मीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज फाइव सेंटीमीटर डायामीटर जो है सिलेंडर का वो कितना गिवन है फाइव सेंटीमीटर ठीक है डी इज फाइव सेंटी मीटर तो रिड्यूज कितना हो जाएगा फाइव अपॉन टू सेंटी मीटर बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अमिस्पेरिकल रेज पोर्शन अब जो ग्लास का बॉटम है उसमें एक हेमिसपेरिकल रेज पोर्शन है विच रिड्यूज द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास जो कि ग्लास की कैपेसिटी रिड्यूस कर रहा है ग्लास वॉज टेन सेंटीमीटर देखिए ग्लास का हाइट एच कितना गिवन है टेन सेंटीमीटर ठीक है यहां से लेके यहां तक फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी एंड यूज इक्वल टू थ्री पॉइंट वन फोर देखिए हमें इसका अपेरेंट कैपेसिटी फाइंड आउट करना है और एक्चुअल कैपेसिटी फाइंड आउट अपेरेंट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि अगर हम ग्लास को बाहर से देखें तो हमें ऐसा लगेगा एज इफ जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उतना ही जूस हमें फिलअप करके मिल रहा है बट एक्चुअल में क्या हो रहा है जो इसकी एक्चुअल कैपेसिटी है उसमें ये जो हेमिसल पोर्शन रेस करके आ रहा है तो जूस हमारा सिर्फ इसी पोर्शन में भर रहा है ठीक है इस वाले पोर्शन में जूस नहीं भर रहा तो जो एक्चुअल कैपेसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ तो चलिए पहले अपन इसकी अपेरेंट कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास वो किसके बराबर होगी डैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है पाए आर स्क्वायर एच ठीक है पाए कितना यूज़ करना है थ्री पॉइंट वन फोर तो थ्री पॉइंट वन फोर इन टू रेडियस कितना है इसका फाइव अपॉन टू फाइव अपॉन टू इन टू फाइव अपॉइन्ट टू और हाइट कितनी है इसकी टेन ठीक है अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है इसके अंदर टू और टेन ठीक है टू वन जर टू टू फाइव ज टेन अगेन टू वन जर टू ये भी टू वन जर टू ठीक है पॉइंट इलेवन टू फाइव टेन अगेन वन सेवन तो वन पॉइंट फाइव सेवन इन टू फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव इं टू फाइव ठीक है तो वन पॉइंट फाइव सेवन इं टू फाइव फाइव जे ट्वेंटी फाइव कैरी टू टू फाइव 10, टेन इलेवन 12, 125 हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और वन पॉइंट फाइव सेवन को वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा वन नाइन सिक्स पॉइंट टू फाइव वन नाइन सिक्स पॉइंट टू फाइव और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम ठीक है ये हमारे पास क्या आई है इसकी अपेरेंट कैपेसिटी जो हमें ऐसा फील हो रहा है कि इतना जूस हमें मिल रहा है ठीक है एक्चुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगी एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास विल बी अपेरेंट कैपेसिटी माइनस ये जो हैमिस्पेरिकल पोर्शन आ रहा है वॉल्यूम ऑफ हेमिसफीयर ठीक है वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर अब चलिए अपेरेंट कैपेसिटी कितनी है हमारी वन नाइन सिक्स पॉइंट टू फाइव माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फियर हेमस्फियर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है टू पॉइंट थ्री पाई आर क्यूब रेडियस दोनों की सेम है स्पेयर की भी और सिलेंडर की भी तो वन नाइन सिक्स पॉइंट टू फाइव माइनस टू अपॉन थ्री इंटू पाए थ्री पॉइंट वन फोर यूज करना है हमें इंटू रेडियस कितनी है इसके अंदर फाइव अपॉन टू ठीक है क्यूब है तो फाइव अपॉन टू इंटू फाइव अपॉन टू इंटू फाइव अपॉन टू हाँ भाई टू वन जार टू तो, टू वन जार टू तो कैंसिल हो गया अपॉन में हंड्रेड है ना फाइव वन जो फाइव फाइव टू ज़ा टेन ज़ीरो अगेन फाइव वन जा फ़ाइव फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी क्या बचा हमारे पास वन नाइन सिक्स पॉइंट टू फाइव माइनस थ्री वन फोर इंटू फाइव अपॉन थ्री इंटू फोर इंटू ये भी टू टू ज़ा फोर हो गया टू टू ज़ा फोर ठीक है ये भी टू से जा रहा है अगेन टू वन जा टू कैरिए वन टू फाइव ज़ा टेन ठीक है और ये Two seven is a fourteen. One nine six point two five minus one five seven into five upon three four a twelve, or into two. वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन का अपन फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं सेवन फाइव थर्टी फाइव कैरी थ्री फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट कैरी टू फाइव फाइव और ये सिक्स सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर ठीक है आपने को सेवन हंड्रेड एटी फाइव का डिवाइड किससे करना है ट्वेंटी फोर से तो हमें कितना मिलेगा थर्टी टू पॉइंट सेवन वन माइनस थर्टी टू पॉइंट सेवन वन ये क्या है वॉल्यूम ऑफ हैमस्पेयर अब क्या करना है इसमें से वन नाइन सिक्स पॉइंट टू फाइव में से थर्टी टू पॉइंट सेवन वन माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा वन सिक्स थ्री पॉइंट फाइव फोर वन सिक्स थ्री पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर क्यूब इतना जूस एक्चुअल में हमें मिलने वाला है क्लास के अंदर ठीक है आगे बात समझ में तो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है सोलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिसर सर माउंटेड बाई अ राइट सर्कुलर कोन ठीक है देखिए एक टॉय है हमारे पास जिसमें एक हेमिसन रखा हुआ है इस तरह से ठीक है द हाइट ऑफ द कोन इज टू सेंटीमीटर कोन की जो हाइट है एच डेट इज टू सेंटी मीटर इसमें कोई दिक्कत नहीं है एंड द डाया ऑफ द बेस इज फोर सेंटीमीटर ये जो इसका डाया है ना डी डैट इज फोर सेंटीमीटर तो रेडियस भी कितनी हो जाएगी इसकी टू सेंटीमीटर हाफ हो जाएगी ना चलें आगे फिर डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय तो फर्स्ट केस में हमें ये जो टॉय है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे उसके बाद हम आगे की चीज देखेंगे और पाए हमें थ्री पॉइंट वन फोर यूज करना है तो वॉल्यूम ऑफ टॉय विल बी इक्वल टू अब जो टॉय है हमारा किस किस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है कौन के और हेमस्पियर के तो वॉल्यूम ऑफ टॉय विल बी वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमस्पियर वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ मिस्पीयर ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें हाँ भाई वॉल्यूम ऑफ कॉन का क्या फॉर्मूला होता है वन अपॉन थ्री पाए आर स्क्वायर एच प्लस हैमिस्पीयर का वॉल्यूम टू अपॉन थ्री पाए आर क्यूब चलिए कॉमन आ रहा है इसमें वन अपॉन थ्री कॉमन है पाए कॉमन है आर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉमन ठीक है तो क्या बचा एच प्लस टू टाइम्स आर ठीक है बस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए इसको तो ये हो गया वन अपॉन थ्री इन टू पाए कितना यूज करना थ्री पॉइंट वन फोर इन टू रेडीज कितनी है टू है तो स्क्वायर ऑफ टू इज फोर एच इज टू प्लस टू इंटू टू ठीक है थ्री पॉइंट वन फोर इंटू फोर अपॉन थ्री टू प्लस टू टू फोर थ्री पॉइंट वन फोर इन फोर अपॉन थ्री ये हो गया हमारे पास सिक्स और थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स तो थ्री पॉइंट वन फोर इन फोर टू जा एट ठीक है अपन क्या करना है थ्री पॉइंट वन फोर का एट से मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलेगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन टू सेंटीमीटर क्यूब ठीक है ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लिया है ठीक है वॉल्यूम ऑफ टॉय आगे क्या कह रहा है इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर circumscribe द टॉय अब देखिए ये जो टॉय है इसके ऊपर एक सिलेंडर रख दिया है इस तरह से जो इसको सरकम्सक्राइब कर रहा है फिगर में देख सकते हैं अपन, ठीक है उपर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय तो हमें देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और जो टॉय का वॉल्यूम है उसका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे देख लेते अपन डिफरेंस तो डिफरेंस कैसे आ जाएगा डिफरेंस इन वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस क्या करना है वॉल्यूम ऑफ टॉय ठीक है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब देखिए जो सिलेंडर है हमारा इसकी भी हाइट देख लेते हैं अपन यहां से यहां तक हमें गिवन था टू रेडियस तो ये यह यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी टू हाइट भी हमें कितनी गिवन थी है यहाँ पे कौन की टू तो ये कंप्लीट हाइट एच ये कितनी हो गई टू प्लस टू डेट इज फोर सेंटीमीटर ठीक है ये हमारे पास आ गई हाइट ऑफ सिलेंडर रेडियस आर रे तो सबकी सेम ही है तो टू ही रहने वाली है तो चलिए बस रख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाए आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय अभी फाइंड आउट किया हमने ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन टू ठीक है तो देखिए थ्री पॉइंट वन फोर इंटू स्क्वायर ऑफ टू इंटू फोर माइनस ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन टू ये हो जाएगा हमारे पास फिफ्टी पॉइंट टू फोर इसको सॉल्व करेंगे जब ठीक है और माइनस ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन टू और दोनों तो को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब डिफरेंस देखिए डिफरेंस भी सेम ही आ रहा है ठीक है तो इस वीडियो के अंदर हमने 13 एक्सरसाइज 13.2 रिलेटेड एग्जांपल्स किए हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज थर्टीन स्टार्ट करेंगे तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर